नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में अपने चल रही संधि, अगर आप रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस SI या हाई कोर्ट की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। दोस्तों देखिए, हम पिछले 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखना। इसके बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। यहाँ पर एक निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक शब्द के संधि विच्छेद के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही संधि विच्छेद वाले विकल्प का चयन करना, यानी कि यहाँ पर आपको सही संधि विच्छेद आपको चुनना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, निष्फल में सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है निस्धन फल, दूसरा है निषिधन फल, और तीसरा है निषिधन फल, और 4 नंबर उपयुक्त सभी सही। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा निषिधन फल। एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, नी श हलंत धन फल, ठीक है। आपको पता होगा कि 3 प्रकार के श होते हैं, एक ये स, श और ये से, आपको पता होना चाहिए कि इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। अपन कई बार क्या करते हैं, शक्कर को या शंकर भगवान का स है, षटकोण का या सड़क का स, ऐसे अपन बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना। आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो ध्यान रखना, आपको ये जो आपको पहला जो स दिखाई दे रहा है, ईचू यसानाम तालू, यानी कि ये जो स है आपको इसको बोलना तालू, यानी तालव्य से। रीटू रसानाम मुर्धा, यानी कि इसको आपको बोलना मूर्धन्य। और जो आपको ये स दिखाई दे रहा है, रेतु लसानाम दंते, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अपनी जो संधि है वो है दोस्तों निस्दन फल, यानी जो आपको ये स दिखाई दे रहा है ये कौन सा है दोस्तों, दंते। ये दंते से है जो मूर्धन्य से में बदल जाता है। ये दंते से किस में बदलेगा दोस्तों, मूर्धन्य से में। इसका मतलब यहाँ पर जो से आपको दिखाई दे रहा है ये से, ये दोस्तों है मूर्धन्य और यहाँ पर है ये दंते, तो दंते मूर्धन्य में बदल जाएगा। तो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों निस्धन फल। क्या होगा दोस्तों, निस्धन फल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर दे रखा अगला क्वेश्चन कि चिकित्सालय में संधि सही क्या होगी। तो देखो, चिकित्सा प्लस आलय, अगला चिकित्सा प्लस लय, ठीक है, इसी प्रकार चिकित्सक प्लस आलय, और अगला है चिकित्सा चिकित्स प्लस आलय। देखिए यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सा। देखिए मैं यहाँ पर लिखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, चिकित्सा चिकित्सा, ठीक है, प्लस आलय, चिकित्सा प्लस आलय। अब यहाँ पर देखोगे चिकित्सा में आ, ठीक है, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का जो अंतिम है इस वर्ण में आ स्वर है और आगे भी अपना है आ, आ प्लस आ, यानी आ प्लस आ मिलकर आ बनेगा, तो चिकित्सा धन आलय, यानी कि चिकित्सालय हो जाएगा। इसका मतलब एक नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन हमारा देर का है, भावुक, भावुक में कौन सी संधि होगी दोस्तों। तो आप यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे। पहला है भोधन उख, अगला भौधन उख, अगला है भेदन उख, और 4 नंबर है भय धन उख। दोस्तों इस प्रकार में, इस प्रकार का जब सवाल आपको पूछा जाए तो बिल्कुल ईजी है, कोई प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है। भावुक में संधि क्या होगी, अगर मान लीजिए मैं पहले ऑप्शन को, मान लीजिए मुझे क्या पता है कि पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन मुझे नहीं पता पहला होगा या दूसरा होगा, तो अपन क्या करते हैं, एक बार जैसे पहला ऑप्शन अगर मैं मानता हूँ तो भोधन उख, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, समझने की अपन कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे बोधन उख, अगर इसका मैं बोधन उख, अब आप मुझे बताओ कि भो है, इसमें स्वर कौन सा है, ओ, तो अगर अपन ओ स्वर निकालेंगे तो बे हो जाएगा हलंत, आगे ओ, इसी प्रकार आगे है उख, ठीक है। आपने अयादि संधि पढ़ी होगी, ठीक है, आपने अयादि संधि पढ़ी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो ओ दे रखा है, ठीक है, तो ओ है ना वो किस में बदलेगा दोस्तों, औ में बदल जाएगा, ओ किस में बदलेगा दोस्तों, औ में बदल जाएगा। अब देखो बे हलंत अपने पास है, बे हलंत,
ठीक है, ओ औ में बदल गया, आगे उक। अब इन सभी को आपस में जोड़ते हैं, भे के अंदर ए जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, भय हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, वे के अंदर ए जोड़ेंगे तो भे हो जाएगा। इसी प्रकार वे के अंदर ऊ जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा, आगे क्या है क, तो भावुक तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पूछा गया भावुक, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार अपन दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, दूसरा ऑप्शन देख दोस्तों क्या दे रखा, भावुधन ओके, ध्यान से समझिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ, आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्या करना होगा, अगर भाव में अगर मैं औ की मात्रा निकाल देता हूँ तो बे हलंत होगा, और ओ की मात्रा यहाँ पर मैंने निकाल दी है, आगे क्या है उक, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता होगा कि जब ये अपने पास ओ था, ओ से क्या बना अव, ठीक है, और अव से क्या बनेगा आव, यदि संधि में, ठीक है, तो ओ से क्या बनेगा आव बनेगा, ठीक है। अब देखो तो भे का भे हो जाएगा, ओ है जो आव में, अव है ना डबल मात्रा तो आव में बदलेगा, आगे है उक। इन सभी को आपस में जोड़ते हैं, भे में अगर आ जोड़ूंगा तो दोस्तों बनेगा भा, वे में ऊ जोड़ूं तो बनेगा वो, आगे क्या है क। तो अपन समझ गए होंगे कि भावुक में संधि कौन सी होगी दोस्तों, देखो भो धन उक तो भे, ठीक है, हलंत हो जाएगा, भो में से औ की मात्रा निकाल देता हूँ आगे उक, भे हलंत, औ है जो आव में बदलेगा आगे उक, इन सभी को आपस में जोड़ा जाए तो देखो भे के अंदर आ जोड़ा तो हो जाए दोस्तों भा, ठीक है। इसी प्रकार वे में ऊ जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो, आगे क्या है क। तो अपना जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों नंबर दो, क्या होगा दोस्तों नंबर दो। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपके। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दे रखा है वो क्वेश्चन है कि क्षण मुख का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दोस्तों पहला जो ऑप्शन है क्षण प्लस मुक बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ क्लियर, ठीक है। अगला क्षण प्लस मुक ये भी नहीं होगा, इसी प्रकार षट प्लस मुक, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये हलंत है इस पर थोड़ा ध्यान रखना, अभी समझा दूंगा क्या होगा। और अगला है षट धन मुक, क्योंकि दोस्तों जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो अपन दो ऑप्शन तो पहले ही बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। अब समस्या होगी स ट, ट हलंत होगा या ट पूरा होगा, ठीक है, तो ट पूरा भी नहीं होगा, टे होगा हलंत। देखो कैसे होता है, मैं आपको क्लियर समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो तीन नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, देखिए इसकी जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों इस प्रकार सट, सट धन मुख, समझने की पूरी कोशिश करना, सट धन मुख, ठीक है। देखिए ये जो टे है, ठीक है दोस्तों, ये ट है ये पंचमाक्षर में बदल जाएगा, ठीक है, टे किस में बदलेगा पंचमाक्षर में, देखो शे का शे हो जाएगा, टे अगर पंचमाक्षर में बदलेगा, टे का पंचमाक्षर क्या होता, तो देखिए ट ठ ड ढ ण, ठीक है, पंचमाक्षर ण होता है, तो देखिए टे हलंत है तो ण भी क्या हो जाएगा हलंत, हलंत का मतलब क्या होगा दोस्तों आधा ही होगा ना। इसी प्रकार अगले दो मुख, तो अपना जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सट धन मुख, यानी कि क्षण मुख हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका तीसरा राइट हो जाएगा षट धन मुख, समझ में आ रहा होगा आपके। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है अन्योन्य, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों अन्योन्य में, अन्योन्य में देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ अन्योन्य में क्या होगा। देखिए जैसे यहाँ पर समझाने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखिए दोस्तों अन्य धन अन्य, ठीक है आप समझना, अन्य धन अन्य, तो अन्य धन अन्य अन्योन्य कैसे हो गया, तो देखो ने ये, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको देखना जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग ओ में बदल जाएगी, विसर्ग किस में बदल जाएगी दोस्तों, विसर्ग बदल जाएगी ओ में, ठीक है। अगर विसर्ग ओ में बदलेगी तो मैं ओ की मात्रा लगा सकता हूँ और एक का क्या हो जाएगा दोस्तों लोप हो जाएगा, तो अपनी सही संधि क्या होगी, संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य, देखिए अन्य धन अन्य, ठीक है, यहाँ पर विसर्ग संधि ध्यान देना आप, विसर्ग संधि है तो अन्योन्य हो जाएगा, तो ऑप्शन एक राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है नवोढ़ा, नवोढ़ा में देखिए पहला ऑप्शन है नवधन ऊढ़, नवधन ओढ़ा बिल्कुल गलत होगा। देखिए कैसे, ये जो नव नव सॉरी ये जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है नवधन ओढ़ा गलत कैसे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए नवधन ओढ़ा, नवधन ओढ़ा, तो इसमें पहले शब्द के अंतिम में ऐश्वर है, ए के बाद यहाँ पर ओ है, ए और ओ मिलेगा तो क्या बनेगा औ बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों औ बनेगा, इसका मतलब यहाँ तो
ओ की मात्रा नहीं, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगलो नवोदन ढा, ये भी बिल्कुल गलत है। नव धन उड़ा, इसको मैं बाद में समझा दूंगा। अब है ने धन वोडा, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब अपन देखते हैं नंबर तीन पर। तीन नंबर ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल ही राइट होगा। कैसे होगा मैं आपको क्लियर करके समझाते हैं। देखो नव धन उढ़ा, नव धन उढ़ा। अब देखो पहले शब्द के अंत में क्या है, ऐश्वर है, उसके बाद में क्या दोस्तों ऊ है। आपको पता होगा ए और ऊ मिलकर किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, ओ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, ओ का निर्माण करेंगे। देखो क्या होता है, अगर ओ का निर्माण करेंगे, आपको मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश। देखो पहला नाम है, पहला शब्द है न व, ठीक है, वे में से ए निकालता तो पीछे बचेगा न व हलंत, ठीक है, आगे ऊढ़ा, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब करना क्या होगा, देखिए तो ने का ने हो जाएगा, ठीक है, वे हलंत है, आगे ना ए और ऊ मिलकर ओ बन गया, और आगे ढा, ध्यान देखो ने का ने हो जाएगा, वे में ओ की मात्रा जोड़ो तो वो हो जाएगा, आगे क्या है दोस्तों ढा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, नवोडा, नवधन उडा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, नवोडा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखो यहाँ पर हमें निर्देश दे रखा है, क्या निर्देश है, मैं निर्देश पढ़ देता हूँ, क्या निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों के संधि विच्छेद दिए गए हैं, उनकी संधि के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही संधि वाले विकल्प का चयन करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, रजे कण, रजे धन कण। देखिए दोस्तों हमारी जो गलती होती है वो ये होती है कि हम सीधा सीधा बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और अपन क्या कर देते हैं, रजो कण, रजे धन कण को अपन रजो कण कर देंगे। सर ये जो विसर्ग है ओ में बदल जाएगी, बिल्कुल सही बात है आपकी, ओ में बदल जाएगी, लेकिन रजे धन कण है ना, ये रजो कण बिल्कुल भी नहीं होगा, रज कण ये भी नहीं होगा, रजस कण ये भी नहीं, इसका मतलब कौन सा होगा, रजे कण। देखिए क्या होता है, मैं समझा देता हूँ, रजे कण की जो संधि होगी, मैं समझाता हूँ, रजे धन कण इसकी जो संधि होगी दोस्तों वो ये होगी, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, रजे धन कण, ठीक है, तो रजे धन कण की जो संधि होगी वो दोस्तों ये होगी, र जे कण, यानी कि विसर्ग अपरिवर्तित होगी, क्या होगी दोस्तों, विसर्ग अपरिवर्तित होगी, यानी तीन नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परे धन अक्षी, देखिए तो पहला ऑप्शन आप देखिए प्रोक्ष दे रखा, दूसरा प्रोक्ष दे रखा है, प्राक्ष है, पराक्षी, तो ज़्यादातर गलती ये होती है परे धन अक्षी, तो अपन ये सोचते हैं कि विसर्ग है जो ओ में बदल जाएगी, तो परो, ठीक है, देखो एक बार मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे ये है अपने परे धन अक्षी, ठीक है, परे धन अक्षी, होता क्या अपन ये सोचते हैं कि प रे विसर्ग का हो जाएगा ओ, ठीक है, और ए का हो जाएगा लोप, और आगे लगा देते क्षी, ये बात आपकी सही है ना, तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, परोक्षी, प्रोक्षी कर लेते हैं दोस्तों, प्रोक्षी बिल्कुल गलत है। अब देखो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों परे धन अक्षी, परे धन अक्षी का होगा दोस्तों परोक्ष, ठीक है, परोक्ष होगा, ये जो अक्षी है ना, ये अक्षी, अक्षी में ई की मात्रा है, ई की मात्रा दोस्तों गायब हो जाएगी, और क्या बचेगा पीछे, अक्ष ही बचेगा, जैसे रात्रि है ना, रात्रि, रात्रि में ई की मात्रा गायब हो जाती है ना, इसी प्रकार आपको देखना परे धन अक्षी, तो यहां पर प्रोक्षी नहीं होगा, परोक्षी होगा, क्योंकि पर धन अक्षी, प इसको देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहां पर देखिए पर धन अक्षी, आप समझना साथ साथ में। अब करना क्या होगा, पर विसर्ग है जो ओ में बदल जाएगी, तो मैं यहाँ पर ओ की मात्रा लगा देता हूँ, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए लोप हो जाएगा, आगे जो क्षी है ना, क्षी में ई की मात्रा, ई की मात्रा भी लोप हो जाएगी, तो अपने क्या बचेगा दोस्तों, परोक्ष, ठीक है, तो परे धन अक्षी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परोक्ष, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है धो धन अक, धो नहीं धो धन अक, देखिए धो धन अक इसको मैं समझा देता हूँ, मान लीजिए आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप सीख सकते हैं, यहाँ पर देखो धौ धन अक, करना क्या होगा ध्यान से समझिए, अगर धो में से औ की मात्रा निकाल देता हूँ तो ध
हलंत हो जाएगा और ये ओ की मात्रा औ की मात्रा हो गई है ना, और आगे क्या है अक, ठीक है ध्यान से देखना। तो दे का दे हो जाएगा, दे हलंत है, ओ किस में बदलेगा औ बदलेगा, देखो आउ में मैंने आपको बताया था अयादि संधि, ठीक है उसके बाद में क्या है दोस्तों अक है, इन सभी को आप जोड़ सकते हो। दे में अगर आ जोड़ूंगा तो दोस्तों धा बनेगा क्या, अरे बताओ धा बनेगा, बिल्कुल बनेगा धा, ठीक है। उसी प्रकार वे में अगर मैं ए जोड़ता हूँ तो वे पूरा हो जाएगा व, और क्या दोस्तों के, धोधन अक यानी कि धावक, दौधन अक क्या हो जाएगा दोस्तों धावक, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा ऑप्शन नंबर दो, समझ में आया होगा। अगला है दोस्तों, अगला जो अपना क्वेश्चन दे रखा है वो है दोस्तों प्रतिधन छेद, दोस्तों इसको मैं समझा देता हूँ। प्रतिधन छेद में हो जाएगा दोस्तों ये जो आपको प्रति, ये जो से दिखाई दे रहा है दोस्तों मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ये जो से दिखाई दे रहा है ये से कौन सा है, देखिए मैंने अभी आपको से तीन प्रकार के बताए थे, से तीन प्रकार के, इचु ये सराम तालु मुर्दा और दंते, इसका मतलब ही दंते, दंते से किस में बदलेगा मूर्धन्य से में, तो प्रतिधन छेद का क्या हो जाएगा दोस्तों प्रतिषेध हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों प्रतिषेध हो जाएगा, यानी यहाँ पर कौन सी संधि है व्यंजन संधि है। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करना, और मुझे जो कमी लगे तो मुझे कमी ज़रूर बताना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।